the internet is full of bro science fake knowledge half information or propaganda your quest of reliable authentic health information ends here so subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again namaskar adab sat sriakal kaise hain aap dosto main hu, dr paramjeet aap dr education dosto aaj ek aise harb ke baare mein baat karenge सोमनी सोमनिफेरा जी हाँ इसका नाम आपने नहीं सुना होगा लेकिन आप इसे जानते हैं ये है वो ही आपका अश्वगंधा वेरी पॉपुलर आयुर्वेदिक सिस्टम का तो ये सबसे जरूरी सबसे बड़ा रासायन है इसके बारे में हमने पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने बताया था अगर इसके बारे में और स्टडी होगी तो हम आपको जरूर बताएंगे तो एक और डिटेल स्टडी लेकर आए हैं आपके बाप के सामने जो अश्वगंधा के बेसिक आपको बताएगा कि भाई ये कहाँ कहाँ कैसे कैसे और किस तरह से काम कर रहा है और एक लास्ट में हम आपको एक प्रोडक्ट रिकमेंडेशन भी देंगे कि अगर आप लेना चाहते हैं तो एक अच्छा कौन सा प्रोडक्ट है जो आप ले सकते हैं सो so, आज का वीडियो शुरू करते हैं पहले एजुकेशन एजुकेशन में समझ लीजिए अश्वगंधा जो है इसके अंदर इंडियन जिन्सिंग भी कहा जाता है इसको और बहुत सारी बीमारियों में इसको लिया जाता है ये एक इस प्रकार का हब है जिसे टॉनिक बोला जाता है होम रेमेडीज में लिया जाता है और इसको कई सारी बीमारियों में चूर्ण के फॉर्म में कई बार पानी में मिला के घी में मिला के हनी में मिला के लिया जाता है ये ना सिर्फ आपके ब्रेन नर्वस सिस्टम को, को हेल्दी करता है आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एक स्ट्रेस को कम करता है इट्स अ पावरफुल अडेप्टोजन और साथ ही साथ इम्यून सिस्टम को भी इम्प्रूव करता है आपकी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को और बहुत ही जोरदार एंटी ऑक्सीडेंट हैं आपके सेल्स को फ्री रेडिकल डैमेज से बताता है बचाता है अब जब इस पर स्टडी हुई है आज की जो स्टडी है ये हम uh, 2011 से 2011 की स्टडी है जो कि एफ अफ्रीकन जर्नल ऑफ ट्रेडिशनल अल्टरनेटिव मेडिसिन के अंदर आपको मिल जाएगी ओवर व्यू ऑफ अश्वगंधा सो इस पर्टिकुलर अश्वगंधा के रसायन के अंदर क्लासिकली जब देखा गया कि इसमें क्या है तो साइंटिफिक स्टडी के अंदर और उन्होंने काफी सारे अश्वगंधास को कंपेयर किया है साइबेरियन जिंगसिंग पनांग जिंगसिंग चाइनी कोरियन जिंगसिंग होता है इंडियन जिंगसिंग होता है उन सबको भी इन्होंने स्टडी किया लेट्स टॉक अबाउट द बेनिफिट सो पहले बार बेनिफिट आपके परफॉर्मेंस के ऊपर जब उन्होंने देखा कि क्या अश्वगंधा से स्विमिंग का परफॉर्मेंस बढ़ता है तो डेफिनेटली उन्होंने यह देखा ना सिर्फ टाइम और फिजिकल एंड्योरेंस टेस्टिंग बड़ी है स्विमिंग की आ, अश्वगंधा में जो टाइमिंग भी और ताकत भी बड़ी है बट सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट उन्होंने देखा है वो है आपके कॉर्टिसोल लेवल पर कॉर्टिसोल वही हार्मोन है जो स्ट्रेस पैदा करता है और किसी भी प्रकार के मेजर बीमारी में कॉर्टिसोल लेवल्स अगर हाई हो तो घातक खासकर कोरोना वायरस में कॉर्टिसोल जब हाई होता है तो वो एक इंडिकेशन होता है कि वो आपके आप, आपके इम्यून सिस्टम पे हावी हो सकता है सो कॉर्टिसोल कंटेंट आपके एड्रिनल ग्लैंड से जो बनता है साथ ही वहाँ पर एक और विटामिन सी लेवल्स देखे जाते हैं विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड उस लेवल का देखा जाता है खासकर जैसे हम मान लीजिए कोई स्ट्रेस देते हैं फिजिकल स्ट्रेस भी देते हैं स्विमिंग भी करते हैं तो उसके बाद भी आपका वाइटामिन सी लेवल आ, कम हो जाता है और कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है तो ये स्टडीज में देखा गया कि कॉर्टिसोल लेवल सिग्निफिकेंटली कम हो जाता है अगर आप रेगुलरली अश्वगंधा ले रहे हैं अश्वगंधा लेने के बाद इवन जो एस्कॉर्बिक एसिड है जो स्ट्रेस के वजह से बढ़ता कम हो जाता है वो भी आपका अश्कॉर्बिक एसिड आपके लेवल पे बढ़ जाता है यहाँ तक के अल्सरोजेनिक है ये अगर किसी के मान लीजिए गेस्ट्रो इंटस्टाइनल में आपने देखा ही होगा जो पेन किलर लेते हैं जो एस्प्रिन लेते हैं जो हैवी एंटीबायोटिक लेते हैं पेट में अल्सर्स हो जाते हैं इमोबिलाईज हैं कई सारे अल्सर्स हो जाते हैं तो उन लोगों के अल्सर प्रोटेक्टिव है ये एंटी अल्सर काम करता है जो स्टडी में देखा गया है एनाबॉलिक इफेक्ट है इसमें आपका वेट गेन होगा इसलिए बच्चों के लिए वेट मतलब इसमें मसल गेन ज्यादा होता है एनाबॉलिक इफेक्ट है तो बच्चों के लिए मस्कुलर होने के लिए यंग एडल्ट के लिए और बुढ़ापे में बहुत ही ज्यादा काम करता है जिन लोगों को मसल लॉस होती है बॉडी बहुत ज्यादा पतली हो जाती है थिन हो जाती है चलते फिरते मुश्किल होती है उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया है मोटापे के लिए नहीं है ये वजन भी बढ़ाता है बट इस नॉट नॉट विल इंक्रीज योर योर फैट इट विल इंक्रीज मसल सो दैट इज अ गुड थिंग एंटी ट्यूमर है ये एंटी ट्यूमर इवन एक सी एच ओ सेल कार्सिनोमा चाइनीज हेम्स्टर ओवरियन ओवरी सेल कार्सिनोमा के अगेंस्ट इसको देखा गया 49 परसेंट तक कॉलोनी फॉर्मिंग एफिशिएंसी उसने कम करी उसके बाद दूसरे लंग एडिनोमा के अगेंस्ट देखा गया लंग एडिनोमा के भी विच वॉज एक्सपेरिमेंटली उसको देखा तो वो काफ़ी हद तक प्रिवेंट किया तो एंटी कैंसर इफेक्ट इसका स्टडीज में प्रूव हुआ है एंटी कैंसर है कई सारे कैंटर में काम करेगा कई सारे में नहीं ये नहीं बोल सकते अभी रिसर्च चल रहा है फिर सी एन एस सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर इसका बहुत बढ़िया इफेक्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे ये मेमोरी आपका चिल्ड्रन बच्चों की मेमोरी कंसंट्रेशन पावर बढ़ाता है और आपके न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर पार्किसन हंटिंगटन एल्जाइमर्स डिजीज जिनके बीमारी है उनको भी बहुत काम आता है तो बुज़ुर्गों को देना चाहिए जिनको भूलने की बीमारी है बहुत काम आएगा दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर इंपॉर्टेंट और साथ ही uh, गामा मेमेटिंग इफेक्ट है न्यूरो न्यूरोडीजनरेटिव इफेक्ट्स में तो गामा एफ मेमेटिंग इफेक्ट मतलब कई सारी बीमारियां हैं जो डिस्काइनेसिया जिनके टार्डिव डिस्काइनेसिया जिनके मोशंस में हिलने डुलना रहता है बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होते हैं बॉडी में उन काइंड ऑफ चीज़ों में भी ये काम आएगा एन्जायोलिटिक है किसी को एंजाइटी का प्रॉब्लम है उसमें ये बहुत बढ़िया से एंजाइटी काम करता है और इत, इसका इफेक्ट जो है लोरा जिपाम नाम के ड्रग से कंपेयर किया गया था तो एक अच्छा खासा लेवल देखा गया जो एक क्लिनिकल एंजाइटी को ये कम करते हुए देखा गया हैल्सो एर एंटी डिप्रेसेंट एंटी डिप्रेसेंट भी है इमीप्रावीन से इसको कंपेयर किया गया और हेल्पलेसनेस और Uh, काफी हद तक इसकी एनजाइटी और डिप्रेशन में ये बेनिफिशियल पाया गया और एनर्जी लेवल्स पे भी ये एनर्जी लेवल भी बढ़ाता है माइटोकॉन्ड्रियल हेल्थ भी बढ़ाता है एंटी इंफ्लामेटरी तो है ही एंटी आर्थराइटिक भी है किसी को ऑस्ट्रियो आर्थराइटिस है तो आर्थराइटिस के लिए भी काम करता है आर्थराइटिस के लिए इसकी 1000 थाउजेंड की डोज जरूरी होती है रूटीनली जो इसकी डोज ली जाती है देखिए देखो आपको बता दिया इतने सारी चीजों में काम इसीलिए ये सालों से आयुर्वेदा uh, में इस्तेमाल होता है ये अब रिसर्च वाइज भी प्रूफ हो रहा है आगे भी होता रहेगा और भी बहुत चीजों में यह काम आएगा सो so, इसीलिए यह बहुत अच्छा है सेफ है प्रेगनेंसी uh, और में uh, इसका जो है अभी तक स्टडीज नहीं हुई हैं तो अभी हम प्रेगनेंसी के लिए नहीं कह सकते बाकी हार्मफुल नहीं होना चाहिए खैर एनी अभी फिलहाल जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपको देखना कि ये इसका जो रूटीन डोज है वो होता है फाइव टू वन मतलब मिनिमम जो डोज है वो होता है टू 250 मिलीग्राम पर डे रात को लेते हैं या अगर आप सुबह शाम भी ले सकते हैं मतलब 500 मिलीग्राम ट्रीटमेंट वाइज अगर ले रहे हैं हेल्थ वाइज ले रहे हैं 250 मिलीग्राम ले सकते हैं 500 मिलीग्राम ले रहे हैं ट्रीटमेंट वाइज ले रहे हैं तो हैवी डोज लेना होता है 500 टू 1000 मिलीग्राम पर डे और फिर वो थोड़ा सा लंबा चलता है इसका एनल जैसी, पे, पेन के लिए भी इफेक्ट है तो पेन के लिए फिर इफेक्ट के लिए आपको थोड़ा हैवी डोज लेना पड़ेगा 1000 मिलीग्राम पर डे इसीलिए आपके लिए आज एक प्रोडक्ट भी हम रेकमेंड करेंगे अगेन प्रोडक्ट रेकमेंडेशन है ये ये प्रोडक्ट है अश्वगंधा न्यू हर्ब्स का अश्वगंधा 1000 प्लस इस पर्टिकुलर अश्वगंधा में आपको एडेड विटामिन ई मिलेगा जो पूरा 100% परसेंट आर है बी कॉम्प्लेक्स मिलेगा जो 100 परसेंट आर पे है और ये जो प्रोडक्ट है इसमें अश्वगंधा एक सर्विंग में 1000 मिलीग्राम मिलेगा साथ ही ये आपका एफ और एफ से प्रमाणित है तो प्रोडक्ट आपके लिए 100% सेफ़ है इश्यू क्या होता है अगर हम कहीं से कोई पाउडर उठा लेते हैं तो उसकी प्योरिटी नहीं बोल सकते उसकी सेफ्टी का नहीं बोल सकते इस पर्टिकुलर चीज़ों में जब ये इन ये सारी जो स्टडीज़ ये जो बनाई गई है ये ये एफ एस एस आई आई एस ओ जी एम पी क्वालिटी एफ डी ए ये ये इसी चीज़ के लिए है कि भाई इसमें जो चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं इसको बनाने में ये आपके लिए कितनी सेफ़ है तो अगर आपको लेना ही है तो कोई ऐसी चीज़ लो जो सेफ़ हो ये ही लेना ज़रूरी नहीं है आप कोई भी और अश्वगंधा ले सकते हैं मगर आप उसको ये देखिए कि भाई उसमें पर्टिकुलर डोज क्या है सेफ्टी का कुछ मार्क है कि नहीं प्रमाणित है कि नहीं सो दिस इज़ वन वेरी गुड अश्वगंधा जो आप ले सकते हैं इसका मैं लिंक नीचे दे दूंगा और इसका प्राइस भी आप नीचे देख सकते हैं डिस्काउंटेड प्राइस आपको मिलता है क्या मिलता है आपको नीचे पता चल जाएगा सो दिस इज़ फ्रॉम न्यू हर्ब्स न्यू हर्ब्स के और भी कई प्रोडक्ट्स हमने आपको बताए हैं याद रखिए प्रोडक्ट जब प्रमाणित होता है तभी हम ऐसी चीज़ें बताते हैं बेकार की चीज़ें नहीं अगर कोई प्रोडक्ट रेकमेंड किया जाता है तो वो रिक्वेस्ट पे किया जाता है जिनको रिकमेंडेशन चाहिए डॉक्टर का जिनको वो रेकमेंडेशंस नहीं चाहिए वो एजुकेशन पे ध्यान दें पर वीडियोस शेयर ज़रूर करें सो दिस इज़ अबाउट अश्वगंधा ये सब जो बच्चे जवान बूढ़े ज़रूर ले सकते हैं अश्वगंधा लेना चाहिए मैं भी खुद अश्वगंधा लेता हूं और कभी कभार बीच बीच में लेते रहता हूं सो दैट्स ऑल थैंक यू सो मच वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए शेयर करिए और देखते रहिए डॉक्टर एजुकेशन स्टे कनेक्टेड स्टे हेल्थी